यूपीएससी में कुछ लोग बस आते हैं, 8 से 10 महीने की तैयारी करते हैं और उनका प्रीलिम्स होता है, फिर 3 महीने की और वो तैयारी करते हैं, उनका मेंस होता है, और इसके बाद जो इंटरव्यू का टर्म नंबर आता है तो उसमें उनका इंटरव्यू में कॉल आता है और वो इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। क्यों कुछ लोग 1 से 1.5 साल में यूपीएससी में न केवल फाइनल सिलेक्शन लेते हैं बल्कि अच्छे रैंक सिक्योर करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ यू उनमें से नहीं है? रीजन क्या है? क्या कोई मैजिक है? क्या कोई स्ट्रेटजी का तिलस्म है जो आप तक नहीं पहुंच पा रहा? जी नहीं, इनमें से कोई भी बातें सत्य नहीं है। सबसे बेसिक बात यह है कि उनका सिलेक्शन सबसे पहले होता है जो सारे पैरामीटर पूरे करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप अपनी कार को एक पहिए में दौड़ाओगे तो वो लक्ष्य तक शायद ना पहुंचे, दो पहिए में दौड़ाओगे संभवतः बहुत कम चांसेस की पहुंचेगी, अगर आप अपनी कार को 3 पहियों में दौड़ाते हो तो इस बात के चांसेस हैं कि उसमें फेल्योर रेट बहुत ज़्यादा रहेगा, फिर भी एक बार संभावना है कि वो लक्ष्य तक पहुंच जाए। लेकिन अगर अपनी कार को आप पूरे फोर व्हील्स में चलाते हो तो उसके पूरे चांस होंगे कि वो अपने मंजिल तक पहुंचेगी और रेलिवेंट टाइम में पहुंचेगी, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगी, सही एफिशिएंसी के साथ पहुंचेगी। तो ये फोर व्हील्स या फोर पिलर्स या फोर फैक्टर्स सिलेक्शन के कौन से हैं? नंबर एक, स्ट्रेटजिक कवरेज ऑफ द सिलेबस, यानी कि आप अपने सिलेबस को स्ट्रेटजिकली कवर किया है कि नहीं। कुछ भी पढ़ लिया है तो वो सिलेबस कवरेज नहीं होता। टू, क्या आपने साइंटिफिक रिविजन किया है कि नहीं, मतलब रिविजन का जो साइंटिफिक तरीका होता है आपने उसका पालन किया है कि नहीं, एंड इफ यू हैव नॉट देन प्रॉब्लम है। एंड थर्ड, जो सारे टॉपर्स करते हैं इसके बारे में चर्चा भी होती है, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाना, वो भी एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ यूपीएससी। एंड फोर्थ, अगर आपने टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग नहीं की है तो आप मान के चलिए कि मेंस में आपको रिकॉलिंग में प्रॉब्लम होगी।